good morning. Good morning everyone and welcome to the new vlog. Today is Friday. आज ऑफिस की छुट्टी है गुरु नानक जयंती के उपलक्ष्य में और अभी अपना ब्रेकफास्ट चल रहा है. आज शिल्पी ने बनाया है क्या पोहा. वाओ वन ऑफ माय फेवरेट. अच्छा शिल्पी तुम्हें नहीं लग रहा है ये पेड़ बड़ा हो रहा है ये वाला. सब होंगे मुझे लग रहा है कि होगा. बड़े तो सभी होते हैं राइट. ओगी को देखो जब आया था कैसा था प्यारा सा. रब अब तो ओगी बड़े से हो गए हैं. देखो भाई साहब को मोटू ए मोटू प्यार करता है. मैं प्यार करता है मैं नहीं करता. मैं सिर्फ खाना खाता हूँ और सिर्फ पॉटी करता हूँ. आज छुट्टी का दिन मैंने यूटिलाइज करने के लिए एक और चीज प्लान की है कि मैं कराऊंगा आज अपनी हिमालयन की सर्विस. ये उसकी थर्ड सर्विस होगी जो 10,000 किलोमीटर्स पे होती है. तो अभी गाड़ी शायद ऑलमोस्ट 9800 या 9700 चल चुकी है. तो मैंने सोचा कराई देते हैं 200-300 किलोमीटर में क्या फर्क पड़ जाता है क्योंकि शायद एक राइड प्लान हो रही है शायद. तो पहले ही कराना बनता है ना उसका. ओके गाइस तो बाइक लेके तो निकल गए सर्विस कराने के लिए. लेट हो गया हूँ मैं थोड़ा सा. 10:30 बज रहा है यार. कहाँ प्लान था कि 9:30 निकलूंगा घर से और कहाँ मैं 10:30 निकल रहा हूँ घर से. बस अब तो उम्मीद यही है कि जल्दी से जल्दी मेरा नंबर वहाँ पे लग जाए यार. वैसे तो बुकिंग कराई हुई है बट स्टिल अब मैं लेट हो गया हूँ ना तो कुछ कह नहीं सकते. तो भैया आ तो गए हैं यहाँ पे लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मैं लेट हो गया हूँ. कुछ जानने वाले लोग पहले ही दिख गए. राम राम भैया. बढ़िया. अरे बहुत तगड़ा कलर है गाड़ी का. चलो अब शमशाद भाई को ढूंढते हैं क्योंकि उनसे ही करवानी है हमको सर्विसिंग. ऐसा करता हूँ मैं ये कीचेन निकाल देता हूँ वरना हर बार ये होता है सर्विस के टाइम पे ना ये कीचेन गंदी हो जाती है बहुत ज़्यादा. तो मैं ये कीचेन निकाल देता हूँ इसमें से चाबी में से. सिर्फ चाबी रखता हूँ. तो मैं आ गया हूँ सर्विस सेंटर के कस्टमर लाउंज में. मेरी गाड़ी पीछे लग चुकी है. थोड़ा इनिशिएशन में डिले हो गया सर्विस के इनिशिएशन में. ऑयल चेंजिंग का कुछ पंगा था वो सॉर्ट आउट हो रहा था लेकिन अब वो सॉर्ट आउट हो चुका है पूरी तरीके से. तो मेरी गाड़ी का नंबर लग चुका है और मुश्किल से 1 घंटा लगेगा ये सब होने में. उसके बाद मैं फ्री हो जाऊंगा. उम्मीद है जल्दी हो जाए. जो भी है टाइम जितना भी लगेगा आपको वेट करना ही पड़ेगा. तो ये कस्टमर लाउंज इज गुड और टीवी भी लगा हुआ है. जब तक सर्विस नहीं हो जाती यहाँ बैठते हैं यूट्यूब वीडियोज देखते हैं या फिर किसी से फोन पे बात बात करते हैं. अच्छा टाइम पास करते हैं. तो घर वापस आते ही लंच क्योंकि बहुत भूख लग रही थी. 4:30 बज रहा है अब जब मैं लंच कर रहा हूँ और शिल्पी मेरा कर रही थी वेट. तुम तो एटलीस्ट खा लेती मुझे लेट हो रहा था. तो चलो कोई नहीं लंच में आ जाए हमारे पास तहरी कर्ड और छोले. तो बस अभी लंच करेंगे फिर उसके बाद नहाएंगे धोएंगे. हालत बहुत खराब लग रही होगी क्योंकि सुबह से सर्विस सेंटर पे बैठा था. तो बस जल्दी से फ्रेशन अप होके मिलते हैं आप लोगों से.
फ्रेंड्स, दोपहर के खाने के बाद मैं चला गया था अपना हेयर कटिंग कराने थोड़ा बहुत, और उसके बाद थोड़ा सा इधर उधर का कुछ काम था वो सब कुछ निपटाया। अभी बज रहा है रात के 10, तो अब प्लान ये है कि डिनर भी अपना हो गया है और अब चल के थोड़ा आराम आराम करते हैं, क्योंकि सुबह जल्दी उठ करके ये वाला ब्लॉग एडिट भी करना है। तो मेरी हिमालयन की 10,000 किलोमीटर की जो सर्विस थी उसका मैं आप लोग को ब्रीफ बुलेट्स दे देता हूँ, कुछ ब्रीफली आप लोग को पॉइंट्स बता देता हूँ। पहला ये कि रेयर ब्रेक का जो डिस्क पैड होता है, ब्रेक डिस्क पैड, वो बदलवाए हैं अब की बार, और एयर फिल्टर अभी तो नहीं चेंज कराया है, लेकिन उसको आई थिंक अगले 2000 किलोमीटर या 3000 किलोमीटर के बाद चेंज कराना पड़ेगा, ऐसा कुछ दिमाग में चल रहा है, लेट्स सी क्या होता है। ऑयल फिल्टर भी चेंज हुआ, क्योंकि जब मोबिल ऑयल वगैरह चेंज हुआ तो ऑयल फिल्टर भी चेंज हुआ, और बाकी सब कुछ थोड़ी बहुत ट्यूनिंग थी वो सब कराई। एक चीज ये बताना चाहूंगा आप लोग को कि आज मैंने कैस्ट्रोल का पावर 1 डलवाया, उसी ग्रेड का जिस ग्रेड का रॉयल एनफील्ड रिकमेंड करती है, दैट इज 15W50 एंड इट्स अ सेमी सिंथेटिक ऑयल। रॉयल एनफील्ड जो रिकमेंड करती है ना, एग्जैक्टली वही चीज डलवाई है मैंने, कुछ भी चेंज नहीं किया है, बस ब्रांड चेंज करी है। लेकिन आज उसका परफॉर्मेंस मेरे को इतना तगड़ा मिला है ना कि आई एम ईगरली वेटिंग फॉर माई नेक्स्ट ट्रिप, कि जल्दी से मेरी नेक्स्ट ट्रिप, रोड ट्रिप प्लान हो, मतलब सीरियसली आई एम वेरी मच एक्साइटेड अबाउट इट आज का परफॉर्मेंस देखने के बाद बाइक का। तो दिस इज ओवरऑल 10,000 किलोमीटर्स की सर्विस का थोड़ा सा जो मैंने छोटे छोटे पॉइंट्स बताए आपको यही। अभी तक तो हिमालयन बहुत अच्छी चल रही है, अब बहुत अच्छा साथ दे रही है, किसी पॉइंट में मेरे को प्रॉब्लम नहीं हो रही है, और आज के बाद तो मेरे ख्याल से जो एक दो पॉइंट्स थे मेरे को हल्का सा डाउनफॉल लगता था हिमालयन का, वो भी मेरे ख्याल से सही हो जाना चाहिए। वो हुआ कि नहीं हुआ वो नेक्स्ट रोड ट्रिप पे पता चलेगी। तो अगली रोड ट्रिप पे मेरे साथ रहना चाहते हो, और अगर आप लोग को भी देखना है कि कैस्ट्रोल पावर रन का परफॉर्मेंस हिमालयन में कैसा रखता है, तो बने रहो हमारे साथ। यहाँ तक वीडियो को देखा हो तो प्लीज लाइक जरूर करिएगा, कमेंट करके जरूर जाइए वीडियो पे कि वीडियो आप लोग को कैसी लगी और मेरी बाइक कैसी लगी। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, स्टे सेफ, लिव टुडे एंड लव टुमारो, बाय।